साथियों नमस्कार। साथियों, काफी लंबे समय के बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ तो सर्दी का मौसम है। इस मौसम साफ नहीं रहने की वजह से वीडियो नहीं बन पाते हैं। और दूसरी बात है, काम की व्यस्तता के कारण हम आपको लगातार वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। तो साथियों, हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें संख्या को कुश्ता किया था। जो पहले वीडियो में जो संख्या का कुश्ता किया था उसको हमने पहले गाय के दूध में शुद्ध किया था। संख्या की जो मात्रा थी वो 10 ग्राम थी और 10 ग्राम को 5 से 6 लीटर दूध में हमने कम से कम 6 घंटे उबाला था मंद अग्नि पे, तब जाके वो शुद्ध हुआ था। शुद्ध होने के बाद उसकी हमने रगड़ाई की थी 8 घंटे। तो वही प्रोसेस है, संख्या को शुद्ध कैसे करें, उसका शोधन कैसे करें, आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। साथियों, हमारे सामने ये संख्या है, ये खानों से निकला हुआ संख्या है। देखो साथियों, इस तरह का ये जो संख्या है और ये देखो, इसके अंदर बहुत ही चिकनाई है और इसके अंदर आपको परतें भी मिलेगी। जिस तरह से ये संख्या है देखो, इसमें ये परतें हैं। यह संख्या उस जगह निकलता है जहां ये जो गंधक और लोहे की खाने होती है उनसे अलग करके इन संख्यों को इकट्ठा किया जाता है। तो साथियों, ये संख्या है, इस संख्या का शोधन करेंगे और शोधन करने के बाद इसका कुश्ता फिर एक अलग तरीके से करेंगे। तो साथियों, वैसे तो संख्या महाविष है और इसको विष को खत्म करने के बाद इससे अच्छी कोई दवाई बन ही नहीं सकती। तो साथियों, बड़े सावधानी से इसका प्रयोग करें। जिन भाई को इनका नॉलेज नहीं है कृपया वो इसको हाथ भी नहीं लगाएं, लगा भी लिया हो तो अच्छी तरह साबुन से साफ करें। और अगर ये कच्चा रह गया तो किसी की जान भी ले सकता है। और साथियों, संख्या में इतनी ताकत है कि अगर 10 15 20 सालों से किसी को नामर्दी है तो उसको केवल 7 से 10 खुराकों में ही उसको पता लग जाएगा कि मैंने कोई चीज खाई है। और यह बहुत ही गर्म है और इसको लेने पर कम से कम दूध का सेवन है वो 5 से 10 लीटर दूध और उसमें घी मिलाकर इसका सेवन कीजिए। और लेते समय इसको मक्खन के साथ लीजिए। तो साथियों, संख्या के बहुत सारे उपयोग है। ये शरीर को पुष्ट करता है, खून की कमी है, जैसे थैलेसीमिया हो गया। थैलेसीमिया एक ऐसी व्याधि है जिसमें खून बनता ही नहीं है, खून का निर्माण ही बंद हो जाता है। बार बार उस व्यक्ति को खून चढ़ाना पड़ता है। उस व्यक्ति को भी अगर एक खसखस के दाने से लेकर उसकी प्रकृति के अनुसार एक चावल के दाने के बराबर दिन में एक बार देते हैं कंटिन्यू 40 दिन, तो कैसी भी नामर्दी हो और कैसी भी सेक्स की समस्या हो और किसी तरह की खून नहीं बनने की जो समस्या हो, और जो ये चाहते हैं कि हमें मोटा होना है, तो वो भी इसके प्रयोग से उसकी सब धातुएं पोषित हो जाएगी और वह बलवान हो जाएगा और उसके सारे विकार दूर हो जाएंगे। तो साथियों, इसी संख्या के बारे में हम आपको बता रहे थे। अभी हम इसको दोला यंत्र में शुद्ध करेंगे तो वो प्रोसेस हम अभी दिखाएंगे। साथियों, संख्या को दोला यंत्र करने से पहले हमने संख्या के बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि इनका अच्छे से शोधन हो सके। इसमें जो जहर की मात्रा है, विष की मात्रा है, वो बिल्कुल साफ हो सके। ये देखो, हमने बिल्कुल बारीक छोटे छोटे इनके खरल में टुकड़े किए हैं। अब इसको पोटली में बांधकर और दोला यंत्र में लटकाएंगे दूध के अंदर। तो साथियों, इसको
इससे अभी जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, हम इसकी एक पोटली बनाएंगे। तो साथियों अभी देखते रहो, इस तरह से इस संख्या की एक पोटली बनाएंगे जो दूध में लटकती रहेगी। और ध्यान रखें भी ये पोटली उस पेंदे के नीचे नहीं लगे और ऊपर ही दूध के अंदर लटकती रहे। दूध कम हो जाए तो दूध उसमें और डाल दें और पोटली को थोड़ी ढीली रखें ताकि दूध का जो प्रवाह है और भाप का जो प्रवाह है इसके अंदर से आता जाता रहे। तो अब हमने एक ये पोटली बना ली है। देखो साथियों इस तरह से पोटली है, इसको हम धोला यंत्र के अंदर इसको लटकाएंगे। तो अभी हम धोला यंत्र कर रहे हैं और आपको अभी दिखाएंगे। हम घड़े में 5 लीटर दूध डालेंगे। ये देखो ये गाय का दूध है। इसमें हम संख्या को पकाएंगे। साथियों हमने इस घड़े में 5 लीटर दूध डाला है और संख्या को पोटली में बांध के इस तरह से लटका दिया है। देखो इसमें गाय का दूध है और ये पोटली इतनी रखेंगे कि ये नीचे पेंदे में नहीं लगे और दूध के ऊपर लटकी रहे, थोड़ा सा दूध में डूबी रहे और लटकी रहे। और इसको 6 घंटे हम मंद अग्नि पे पाक करेंगे तो ये संख्या है शुद्ध हो जाएगा, जो इसका जो जहर है इस दूध में रह जाएगा। साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब ये लास्ट के अंदर है ये दूध जल के इसका खोआ बनेगा तो कृपया इसका थोड़ा ध्यान रखें कि उस खोए को आप किसी जानवर या किसी भी व्यक्ति को या किसी को खाने के लिए नहीं दें, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसको आप जो खोआ बने लास्ट के अंदर है उसको ज़मीन में खड्डा खोदकर उसके अंदर उसको गाड़ दें। और जब संख्या ये दूध जल जाए, संख्या बचेगा तो संख्या को आप गर्म पानी से अच्छी तरह साफ करके इसकी 8 घंटे खरल कीजिए। और 8 घंटे के बाद उसमें 2 घंटे लहसुन में खरल कीजिए और 2 घंटे अदरक में और 2 घंटे नींबू में, तब जाके ये पूर्ण रूप से शुद्ध होगा और खाने के लायक होगा। तो उसके बाद इसका आप कुश्ता भी कर सकते हो, वो आगे की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। देखो ये पोटली है, ये देखो दूध के अंदर पूरी नहीं डूबी हुई है, थोड़ी डूबी हुई है, इस तरह से इसको रखना है। साथियों हम संख्या का शोधन कर रहे थे तो पहले हमने इसमें 5 लीटर दूध डाला था, उसमें से लगभग आधा जल गया है तो इसलिए हमें इसमें दूध और डाल रहे हैं। ये गाय के दूध में इसको शोधन करेंगे। साथियों ये अभी दूध है, इसमें और डाल रहे हैं। साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप दूध डालो तो इसका जो धुआं है अपनी आंखों में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये विष है, इससे आपकी आंखें भी खराब हो सकती है। कि कभी भी इस धुएं के नज़दीक नहीं बैठे, आप अग्नि जलाकर इससे थोड़ा दूरी बनाए रखें और ये इसके अंदर उबलता रहेगा और शोधन की प्रक्रिया धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगी। अभी साथियों दूध जल रहा है और देखो किस तरह से भाप बाहर निकल रही है। कृपया इस भाप से दूरी बनाए रखें और अग्नि को थोड़ा कम करें। देखो ये दूध है, ये बाहर निकलने लगा है तो अग्नि को थोड़ा कम रखिएगा, नहीं तो ये सारा दूध है वो बाहर निकल जाएगा। तो जितनी कम अग्नि होगी उतना ही इसका बढ़िया शोधन होगा। तो अग्नि को थोड़ा धीमा रख के
इसको शुद्ध कीजिए। देखते रहो, देखो साथियों इसको अग्नि है वो थोड़ी ज़्यादा लग गई थी, जिसके कारण जो इसका जो दूध था वो बाहर निकल चुका है। तो कम आंच पे इसको पकाएं, अग्नि को हमने कम कर दिया है, देखो दूध है वो धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है, और इसके धुएं से बचें, थोड़ा दूरी बनाए रखें। साथियों संख्या हमने शुद्ध कर लिया है, अब पोटली में से हमने संख्या निकाला है जो इस तरह का फूला हुआ और बहुत ही चमकदार निकला है। देखिए साथियों इस तरह का संख्या हमें उससे प्राप्त हुआ है। दूध में इसका शोधन कर रहे थे, सुबह हमने इसको 10 बजे उबलने के लिए रखा था और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो 8-10 घंटे लगातार इसकी दूध के अंदर इसको उबाला है। अब ये बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, अब हम इसको खाने के प्रयोग में ले सकते हैं, इसका कुश्ता भी कर सकते हैं। तो साथियों फिर भी इनकी नन्ही डलियां करने से इनका जो विष इनके अंदर था वो ख़त्म हो गया है, फिर भी इसको और भी अच्छा कुश्ता करने के लिए कम से कम 8 घंटे रगड़ाई, और फिर अदरक के रस में, फिर नींबू के रस में, और फिर लहसुन के रस में इसकी गुटाई कीजिए कम से कम 20 घंटे, तब जाके ये अक्सीरी और एक नंबर का कुश्ता बनेगा जो 5-7 खुराकों में भी नामर्द को भी मर्द बना देगा। तो साथियों इसी कुश्ते के साथ धन्यवाद।